सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में आजकल एक काला तेंदुआ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विलुप्त प्रजाति का ये तेंदुआ शावक जंगल में लंबे अरसे के बाद दिखा है। पेंच टाइगर रिजर्व खवासा बफर तेलिया क्षेत्र में बघीरा काला तेंदुआ सर पर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पेंच टाइगर रिजर्व में इस काले तेंदुए को देखकर आपको जंगल बुक के किरदार मोगली और बघीरा नाम के चीते की कहानी याद आ जाएगी। इन दिनों ऐसा ही एक बघीरा यहां आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना है। टाइगर रिजर्व में बाघ को शावकों के साथ मटर गश्ती करते इस काले तेंदुए को देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आ रहे हैं। पार्क में सैर करने आ रहे पर्यटकों को बफर जोन के तेलिया रेंज में काला तेंदुआ शावक आसानी से नजर आ रहा है। ये काला तेंदुआ शावक एक अन्य तेंदुए शावक के साथ घूमता दिखता है। सिवनी आने वाले पर्यटक काला तेंदुआ का वीडियो बनाने से नहीं चूकते। जंगल भ्रमण के दौरान ये तेंदुआ आसानी से दिखता है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर इसके कई वीडियो देखने को मिल रहे हैं। पेंच टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के अनुसार ये काला तेंदुआ विलुप्त प्रजाति का है। टाइगर रिजर्व में कई साल के बाद काला तेंदुआ दिखाई दिया है। यही वजह है कि इस काले तेंदुए शावक को देखकर पर्यटक बेहद रोमांचित हो रहे हैं। दरअसल पेंच टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर विक्रम सिंह परिहार ने बताया कि मादा तेंदुए के साथ तीन शावक दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक शावक तेंदुआ काले रंग का है। तेंदुए के इलाके की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। काला तेंदुआ शावक 27 जुलाई को सबसे पहले दिखाई दिया था। 17 सितंबर और 28 नवंबर को भी पर्यटकों को सफारी के दौरान काला तेंदुआ शावक नजर आया है। काला तेंदुआ दिखाई देने से सैलानियों में सफारी का रोमांच कई गुना बढ़ गया है। इस काले तेंदुए को पर्यटक बघीरा के नाम से पुकार रहे हैं। इसकी एक झलक पाना तेलिया क्षेत्र में सफारी करने पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। द जंगल बुक के प्रमुख किरदार भेड़िया बालक मोगली की जन्मभूमि पेंच नेशनल पार्क को माना जाता है। मोगली और बघीरा के बीच गहरी दोस्ती के किस्से मशहूर हैं। कहानी के इस पात्र बघीरा से काले तेंदुओं को जोड़ा जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक मेलानिस्टिक जीन्स कारणों से कई वन्य जीवों का रंग बदल जाता है। काला तेंदुआ भी इसी का नतीजा हो सकता है।